आपने अपने जीवन में कभी ना कभी मोमबत्ती या कहीं आग लगी हुई तो देखी है? कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया कि जो हमारी फ्लेम्स होती हैं वो हमेशा ऊपरी तरफ ही जाती है, चाहे वो किसी भी मेटल की फ्लेम हो, एलपीजी हो, आपकी मोमबत्ती हो, या किसी भी मेटल की फ्लेम हो, वो हमेशा ऊपरी तरफ ही क्यों जाती है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमारी जो फ्लेम्स होती हैं वो ऊपर ही क्यों जाती है। नमस्कार, मेरा नाम विजय दैया है और मैं आपका स्वागत करता हूँ टैकी गुरु चैनल में। प्लीज सब सबर करा सारा खबर सबर कराए सारा फ्लेम सारा जोन के अंदर जो भी एटमॉस्फेयर की हवा उसके टच में आएगी मोमबत्ती के, तो वो गर्म होके जो उसका मॉलिक्यूलर गैप है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो कम डेंस हो जाएगी। कम डेंस होने के कारण जो वो हल्की हो जाएगी और जो हमारी साइड की एयर है जो कि गर्मी जिसने एब्जॉर्ब नहीं की है वो डेंस रहेगी। तो इस वजह से जो हमारी जो उसके फ्लेम के साथ वाली जो एयर है वो हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ जाएगी और जो साइड वाली हैवी एयर है वो भारी होने के कारण नीचे की तरफ रहेगी। तो जो हल्की एयर है वो उसके टच होके वो ऊपर की तरफ जाती रहेगी। तो आपने देखा जो फ्लेम जोन की एयर है वो हल्की होके ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी और जो हैवी एयर है वो साइड से नीचे आएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और इसका हमारी कैंडल की फ्लेम से क्या संबंध है वो देखते हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा जो हल्की एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ जो हवा जाएगी, तो जैसे आप कैंडल फ्लेम में एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं तो जो येलो इस पोर्शन है ये हमारी गर्म हवा है। तो ये जैसे ही उसके फ्लेम उसको मोमबत्ती हो जाए किसी फ्लेम को टच होकर ऊपर की तरफ जाएगी तो साइड से जो ठंडी हवा है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये आएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा और जो ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारी एयर है जो ऊपर की तरफ जा रही है वो हमारी कैंडल को ऊपर की तरफ कन्वेक्शन के कारण उसको पुश करेगी। इसी रीजन के कारण हमारी जो मोमबत्ती की जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई देती है। ये हर फ्लेम फ्यूल पर लागू होता है। इसी कारण जो हमारी जो फ्लेम है वो हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। अब वो चाहे फ्लेम एलपीजी की हो या किसी चीज़ की, जो कन्वेक्शन होता है वो हर फ्यूल में होता है, हर फ्लेम में होता है। इसी वजह से जो हमारी फ्लेम है हमें वो ऊपर की तरफ जाती है। और जब हम देखते हैं जो हमारी बिल्डिंग में आग लगी होती है तो हमारी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में ऐसे अपवर्ड राइज करती है, वो फैलती है। तो इसके पीछे यही रीजन है जो कन्वेक्शन होता है उसके कारण जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। ये बहुत रेयर चांसेस में होता है सेकंड फ्लोर से आग फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको आपका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करें इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। खत्म।